सो दोस्तों, वहाँ TVS XL 100 BS6 गाड़ी आई है, जो किसी गाड़ी में प्रॉब्लम निकल के आई है। गाड़ी स्टार्ट हो रही है, फिर तुरंत बंद हो जा रही है। स्टार्ट करके दिखा रहे हैं, जो सेल्फ मार स्टार्ट करते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गई है, जैसे सिलेंडर की गाड़ी बंद हो जा रही है। जैसे सिलेंडर ले रहे हैं, गाड़ी बंद हो गई, खटखटा के गाड़ी बंद हो जा रही है। फिर से स्टार्ट करते हैं दोबारा, स्टार्ट हुआ गाड़ी, सिलेंडर ले रहे हैं, पिकअप ले पा रहा है, गाड़ी तुरंत बंद हो जा रही है। तो इसमें हम चेक करने वाले हैं इस गाड़ी में क्या दिक्कत है, कहाँ से क्या नहीं है। इस गाड़ी को पहले हम जितना भी पैनल है, बैटरी पैनल और बीच वाला पैनल जितना है, जो कि इंजन वाला, इसको सब बाहर कर लेते हैं। इंजन गार्ड भी, जितना भी बैटरी पैनल, इसको भी बाहर करके उसके अंदर देखते हैं। पहले इंजेक्टर कैसा छिड़काव, कैसा इंजेक्टर का, उसका बैटरी भी चेक करेंगे। बैटरी सही है, बैटरी से दिक्कत होता है तो स्टार्ट नहीं होती स्लिप से। बैटरी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाड़ी सिर्फ वर्क कर रहा है, हॉर्न भी वर्क कर रहा है, लेकिन लेटर ले रहा है, गाड़ी बंद हो जा रही है, पिकअप नहीं ले पा रही है, जो कि स्टार्ट करके देख रहे हैं। तो हम देखते हैं इस समय क्या है क्या नहीं है, इसको खोल के चेक करते हैं, क्योंकि 8 नंबर से इसको हम खोल लेते हैं, बाहर कर लेते हैं इंजेक्टर को। बाहर करके उसके बाद देखते हैं छिड़काव इंजेक्टर का कैसा है कैसा नहीं है। इंजेक्टर छिड़काव चेक करना है, उधर फ्यूल पंप में जो कि है फिल्टर आता है, फिल्टर भी चेक करना पड़ता है। तो इसको पहले इंजेक्टर को देख लेते हैं, यहाँ छिड़काव कैसा है, उसके बाद फिल्टर को देखेंगे, फिर इंजेक्टर का हालात देख लेते हैं कैसा है कैसा नहीं है। तो इसको हम खोल लेते हैं इंजेक्टर को, 8 नंबर बोल्ट खुल चुका है। ये खुल चुका है, अब इसके अंदर देखते हैं क्या है क्या नहीं है। इसके अंदर तो सही है, छिड़काव चेक कर लेते हैं कैसा है कैसा नहीं है। छिड़काव तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है छिड़काव में। हाँ, ये पाइप है, इसको प्रेस करके दोनों तरफ, यहाँ पे जो पाइप है इसको दोनों तरफ प्रेस करेंगे, उसके बाद बाहर रास्ते खींचेंगे, बाहर निकल जाएगा। इसको हम बाहर कर लेते हैं, निकाल लें, चाबी ऑफ ऑन करके देखते हैं छिड़काव कैसा है। तो चाबी ऑफ ऑन करके चेक कर लेते हैं, छिड़काव तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है छिड़काव में। पेट्रोल का सप्लाई अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे इस लोड नहीं ले पा रही थी, गाड़ी बंद हो जा रही थी, प्रॉब्लम निकल के इसमें यही आ रही थी। गाड़ी स्टार्ट होने में कोई दिक्कत नहीं था, RPM भी कंट्रोल था, लेकिन जैसे एक्सीलरेटर बढ़ा रहे थे गाड़ी बंद हो जा रही थी। तो रीजन निकल के इसमें यही आया, थ्रॉटल बॉडी को बाहर कर चुके हैं, जो कि देख सकते हैं दोनों, एक नया थ्रॉटल बॉडी, एक ओल्ड पुराना थ्रॉटल बॉडी है, जो कि देख सकते हैं। इस जो थ्रॉटल बॉडी का जो सेंसर होता है, ये TVS सेंसर बोला जाता है, जो एक्सीलरेटर को कंट्रोल करता है, RPM कितना एक्सीलरेटर ले रहे हैं उतना नहीं। ये देख सकते हैं टूटा हुआ था, तो इसको टूटा हुआ था, तो फिपकी से लगा के इसमें ऐड किया गया है, जो कि देख सकते हैं। तो ये सेंसर को टूटने के बाद जो कि वर्क नहीं कर पा रहा था, कंट्रोल RPM नहीं कर पा रहा था, उसके बाद गाड़ी बंद हो जाती। तो हम सेंसर को बाहर निकाल के दिखाते हैं सेंसर किस तरीके से है। तो ये सेंसर को हम बाहर निकाल दिए हैं, जैसे एक्सीलरेटर घूमता है तो इसी रास्ते ये भी घूमेगा, जो कि जिस रास्ते घूमेगा एक्सीलरेटर, देख सकते हैं एक्सीलरेटर नचा रहे हैं, तो यहाँ से एक्सीलरेटर नचा रहे हैं तो ये भी घूम रहा है, जो कि यहाँ से फिर से एक बार नचा के दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे उठाए हुए हैं, जैसे इसको छोड़ रहे हैं ये भी नाच रहा है। तो ये जो कि एक्सीलरेटर को जितना रेस करते हैं उसको कंट्रोल करता है ये, इसके वजह से जो कि ये गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, उसको एक्सीलरेटर ले रहे थे तो गाड़ी बंद हो जा रही थी। तो इसमें डैमेज होने की वजह से जो कि गाड़ी को RPM एक जैसा कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, जैसे एक्सीलरेटर ले रहे थे गाड़ी बंद हो जा रही थी। अब नया ले आ चुके हैं, नया को लगा के चेक करते हैं, गाड़ी एक्सीलरेटर लेने पर गाड़ी बंद हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसमें थ्रॉटल बॉडी को सेटअप करते हैं, सेटअप करके उसके बाद देखते हैं गाड़ी बंद होती है कि नहीं होती है। तो थ्रॉटल बॉडी तब तक के लिए सेटअप कर लेते हैं, सेटअप करके उसके बाद दिखाते हैं। और इस गाड़ी का टंकी और साइड पैनल जितना भी कंप्लीट कर लिए हैं, थ्रॉटल बॉडी भी जो कि कंप्लीट लगा चुके हैं, और गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करते हैं, गाड़ी स्टार्ट होने में कोई दिक्कत होती है कि नहीं होती है, गाड़ी सेट लगे गाड़ी बंद हो रही है कि नहीं हो रही है। तो गाड़ी की चाबी ऑन कर लेते हैं, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके चेक करते हैं, गाड़ी स्टार्ट होने में कोई दिक्कत आती है कि नहीं आती है। गाड़ी की स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, जो कि देख सकते हैं एक्सीलरेटर लेने पर गाड़ी बंद हो जा रही थी। अब जैसे एक्सीलरेटर लेकर जैसे चेक करते हैं गाड़ी बंद हो रही है कि नहीं हो रही है, एक्सीलरेटर ले रहे हैं, जब लगा था थ्रॉटल बॉडी उसके बाद गाड़ी जैसे एक्सीलरेटर ले रहे थे गाड़ी जो कि बंद हो जा रही थी। ये टूटने की वजह से जो कि है इसका जो सेंसर टूट गया था, इसकी वजह से जो कि एक्सीलरेटर ले रहे थे उसका तुरंत गाड़ी बंद हो जा रही थी। जैसे थ्रॉटल बॉडी नया लगाने के बाद जो कि अलग से नहीं मिल रहा था, इसके लिए इसके वजह से जो कि हम थ्रॉटल बॉडी सेट ही चेंज कर दिए हैं। ये बहुत कोशिश किए हैं इसको खोज ढूंढने के बाद, ढूंढने में खोजे नहीं मिला है, उसके बाद पूरा सेट ही डाल दिया है इसमें। सेट डालने के बाद जो कि गाड़ी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है, जो कि देख रहे हैं, इसे दोबारा फिर से चला के चेक कर रहे हैं, देख सकते हैं।
पिकअप भी ले रही है गाड़ी, अच्छे तरीके से वर्क भी कर रही है, स्टेट ले रहा है गाड़ी, बन रही है। तो मेन दिक्कत जो था तो थोड़ा वाड़ी से दिक्कत था, जो कि बगल साइड में थोड़ा वाड़ी है, इसको जो कि गाड़ी स्टार्ट हो रही थी लेकिन जैसे स्टेट ले रहे थे गाड़ी बंद हो जा रही थी। तो दिक्कत इसमें निकल के ही आ रही थी, अगर वो सेंसर टूट भी जाता है तो उसके बाद इसको टूटने के बाद जो कि थोड़ा वाड़ी को नहीं तो उस सेंसर को लगाना पड़ेगा, अगर नहीं लगाते तो गाड़ी के जैसे स्टेटर लेंगे गाड़ी तो बंद हो जाएगी। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, चलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। Yeah.